हर इदारा, दुनिया में हर इदारा उसकी कामयाबी होती है मेरिटोक्रेसी। मुल्क वो आगे बढ़ता है जिसमें मेरिट होती है। एक छोटा सा न्यूजीलैंड जिसकी कोई 60-70 लाख आबादी है वो हिंदुस्तान को हरा सकता है जिसका 125 अरब लोग हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मेरिट का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। चाइना की जो राइज हुई है, ये जो चाइना इतना बड़ा एकदम इमर्ज किया 30 सालों में, चाइना का जो मेरिटोक्रेसी का निजाम है वो देखने वाला है। उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे वो नीचे से मेरिट को करते करते ऊपर लेके आते। तो आप अगर एक इदारे से मेरिट खत्म करते हैं, आप इदारा खत्म कर देते हैं। ये शरीफ खानदान की और जरदारी की, इन खानदानों की, इनकी जो खास चीज थी, इन्होंने जो मुल्क को डैमेज किया, इन्होंने मेरिट खत्म कर दी। अपने खानदान के लोगों को सारा अपना टबर ऊपर बैठा दिया आके, कोई मेरिट नहीं है। बच्चे तैयार कर दिए, कोई मेरिट नहीं है। जो उनकी पार्टी में लोग थे जिनकी सलाहियतें थी, उनको ले लिया अपने अपने फैमिली मेंबर्स। इनकी पार्टीज भी सुकड़ गई, आज छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। और इसलिए साहब आप इकट्ठे हो गए सारे मिले हुए मेरे खिलाफ, क्योंकि इनकी पार्टीज में अब दम ही नहीं है लड़ने का। दूसरी तरफ इदारे जो इन्होंने किए, इदारों के ऊपर अब नैब पे कौन सा आदमी लेके आए जो इनके करप्शन केसेस खत्म कर रहा है, FIU में कौन लेके आए जो ये शबाशी के करप्शन केसेस खत्म कर रहा है। तो जब आप अपने आप को बचाने के लिए वो लोगों को ऊपर लेके आते हैं जो आपको आपके लिए सहूलत बने, सारा सिस्टम इदारे तबाह कर देते हैं। तो ये जो हो रहा है, मैसेज पॉइंट क्या मैसेज, ये जो हो रहा है ना, ये आपको एक अब उसकी एक इदारा बचा हुआ फौज। बड़ी कोशिश की, नवाज शरीफ अपने आर्मी चीफ चूज करता था, वो फिर वो आर्मी चीफ, क्योंकि फौज का इदारा इंटैक्ट है, वो अपने इदारे से एक लिमिट तक अगर वो नवाज शरीफ के साथ चले भी, वो उससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि इदारा इंटैक्ट है। अब ये जो कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो भी नवाज शरीफ इतनी देर के अड़ के अपना आदमी लेके आएगा, जिसको भी वो चूज करेगा, वो पहले दिन से कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि वो इसका आदमी हो जाएगा नवाज शरीफ का। वो और बात है कि वो जिस तरह माजी में जो फौज का जब आर्मी चीफ आता है तो वो फिर एक इंस्टीट्यूशन के जो उससे बाहर नहीं निकलता, यानी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा फेवर किसी को करना। लेकिन इसकी पूरी कोशिश है कि अपना आदमी लेके आए। खान साहब, आप जो 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनके नाम चले गए, उनमें से 2 को अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो खदशा क्या है आपको? मुझे सिर्फ खदशा यह है, पहले तो मैं ऑन प्रिंसिपल कि एक आदमी जो मफरूर, जो इस मुल्क से करप्शन में, पहले नहीं बड़े करप्शन के केसेस हैं, अदालत उसको सजा देती है, GIT बैठती है, सुप्रीम कोर्ट 5, यानी इतनी देर के बाद सजा मिलती है, झूठ बोल के मुल्क से बाहर चला जाता है। मेरी सबसे बड़ा इशू यह है कि क्या ये क्वालिफाइड है मुल्क का, ये सबसे नेशनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट इदारा, उसके हेड को पॉइंट करने के लिए कहीं दुनिया में ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मुल्क की जब आप इखलाकियात तबाह कर दें, असल में मुल्क तबाह ही होता है जब आप उसकी मोरालिटी तबाह कर दें। ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो आदमी बाहर बैठ के फैसले कर रहा है, मेरा सबसे पहला। सेकेंडली, जो वो फैसला करेगा वो पाकिस्तान की बेहतरी में नहीं करेगा। इन्होंने आज तक कोई भी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान की बेहतरी के नहीं की। जब पंजाब पुलिस के ऊपर एक लाहौर हाईकोर्ट ने 1993 में जब उन्होंने पूछा कि क्यों करप्ट है, तो IG अब्बास खान ने लाहौर हाईकोर्ट को कहा कि इन्होंने पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया, और फिर कहा कि मुजरिमों को भर्ती किया पुलिस के अंदर। ये 93 की रिपोर्ट है। तो वो लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया, ये अपने मुफादात देखते। और मैं इसलिए इसका जो मोटिव है, जो इसकी नियत है, मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूं कि इसने इसलिए नहीं करना कि आर्मी चीफ बनाना है जो कि पाकिस्तान की या इदारे की बेहतरी करे। वो अपनी जात के ऊपर सोच रहा है कि वो कैसे इमरान खान को कोने से लगाएगा, कैसे वो इसको डिस्क्वालीफाई करवाएगा, कैसे उसकी, यानी जो हमारे से हुआ है इस दौर में 6 महीने में, हमें तो इन्होंने इस तरह रखा है जिस तरह कोई बैरून मुल्क दुश्मन है। तो ये एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मैं अपना आदमी लेके आऊंगा जो कि पूरा इमरान खान को और ये PTI को कैसे खत्म करेगा।